अपने नेता को खुश करने के मकसद से जनतंत्र की शालीनता को ध्वस्त करने व राजनीतिक शिष्टाचार की मर्यादाओं को चोट पहुंचाने का वाक्या तब पेश आया जब कांग्रेस के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जांग तोड़ने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थक व कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सतपाल राठी के आवास पर अभिनंदन समारोह में गए थे, जहां हुड्डा का अभिनंदन करते हुए सतपाल राठी ने उन्हें एक गदा भेंट की और सार्वजनिक मंच पर आह्वान किया कि इस गदा से मनोहर लाल खट्टर की जांग तोड़नी है। हालांकि इस आह्वान से वहां बैठे लोगों में शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन लोग हंस पड़े। इससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुस्कुरा कर सतपाल राठी का हौसला बढ़ाया। राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि राजनीतिक शालीनता और जनतांत्रिक मर्यादा के स्थापित मूल्यों की रक्षा कैसे होगी यदि किसी दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता सार्वजनिक मंच पर किसी मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति पर हमले का बयान जारी करते हो। और गंभीरता तब आती है जब मुख्यमंत्री के पद पर शोभित हो चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल मुस्कुराए बल्कि सतपाल राठी का यशोगान भी किया, जबकि चाहिए था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक मंच से सतपाल राठी के कथन का खंडन करते। भले ही सतपाल राठी का इरादा गलत न हो, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह अपने आप में गंभीर विषय है, जिसका चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे तूल देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन यहां पर कानून को स्वयं संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। सवाल बड़ा है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए जनतांत्रिक मूल्यों का हनन करना कब तक सहन किया जा सकता है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।